हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आप है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फसल उत्पादन का जो है पार्ट वन देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम फसलों के वानस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान एवं क्षेत्रफल एवं उत्पादन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो कंटेंट हम आपको बताने वाले हैं, ये अरुण कात्यायन बुक से संबंधित है। बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें है खरीफ क्रॉप, जिसके अंतर्गत पैडी आता है, मेज आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, तिल आता है, ग्राउंड नट आता है, कॉटन आता है, सोयाबीन आता है, मूंग आता है, उड़द आता है और तनहब आता है। तो खरीफ क्रॉप के अंतर्गत खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तिल, ग्राउंड नट, कॉटन, सोयाबीन, मूंग, उर्द और सरहेब आता है। अब दूसरा आता है रबी क्रॉप्स। तो रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें आता है वीट आता है, बार्ले आता है, ग्राम आता है, मस्टर्ड आता है, टोबैको आता है, शुगर केन आता है, बरसीम आता है। तो वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, टोबैको, शुगर केन, बरसीम आता है। अब फसलों का वानस्पतिक नाम, तो इसमें सीरियल्स और उनके जो होता है फैमिली, जैसे ये जो होता है सीरियल्स क्या होते हैं, ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और धान, जिसको इंग्लिश में राइस कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। सेकंड पे आता है गेहूँ, और जिसको इंग्लिश में वीट कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। थर्ड आता है मक्का, जिसको मेज कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। फोर्थ आता है ज्वार, और इसका जो है साइंटिफिक नेम है सोर्गम बाइकलर है। और बाजरा, इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिटम ट्राइफोइड्स है। और इसको जो होता है पेयर मिलेट भी बुलाया जाता है, पर्ल मिलेट भी बुलाया जाता है। और फिर जव आता है, जिसको बार्ले कहते हैं, होल्डम वल्गर जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और मडुआ, जिसका साइंटिफिक नेम है इल्यूसिन ओरेंटाना है, और यह रागी और फिंगर मिलेट जो अच्छा है किसके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए। अब अगला है चीना, जिसको प्रोसो मिलेट भी कहते हैं। और पेनिकम मेलाइकम होता है इसका साइंटिफिक नेम। अब नवा आता है सावा, इकाइनोकोला फ्रगमेंटेसी, जिसको बर्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। दसवां आता है कोदो, जिसको पासपलम स्कैरो बाइकुलेटम, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और ग्यारहवा आता है ककून, सिटेरिया इटैलिका, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और इटालियन और जर्मन मिलेट्स और फॉक्सटेल फॉक्सटाइल। अब अगला आता है, तो मतलब जो होता है धान के अंतर्गत किसका किसका दिया गया है इसमें, तो धान का है, गेहूं का है, मक्का का है, ज्वार का है, बाजरा का है, जव का है, मडुआ का है, चीना का है, सावा का है, कोदो का है, काकुन का है। और ये सब किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जो है ग्रामीण फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है दलहनी फसल, तो इसमें आता है पल्स क्रॉप, जिसका कुल क्या होता है, तो कुल इसका लेग्यूमिनेसी होता है। तो इसमें चना आता है, जिसको इंग्लिश में ग्राम कहते हैं, चिक पी कहते हैं,
और साइसर एराइटिनम जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और सेकंड आता है मसूर आता है जिसको लिंटेल कहते हैं, तो लेंस एस्कुलेंटा जो है इसका साइंटिफिक नेम आता है। और थर्ड आता है मटर, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम जो है स्पीसीज। अब फोर्थ आता है बोरो जिसको काउपी या लुबिया कह आता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है विग्ना साइनेंसिस होता है। और फिफ्थ आता है अरहर या तुर जिसको अरहर भी कहते हैं, रेड ग्राम भी कहते हैं, पिजन पी भी कहते हैं, तुर भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है केजानस कजान है। और छठवां आता है मूंग जिसको ग्रीन ग्राम या मूंग भी कहते हैं, और विग्ना जूता रेडिएटा इसका साइंटिफिक नेम है। सातवां आता है उर्द जिसको ब्लैक गर्म ग्राम या उर्द कहते हैं, और विग्ना मुंगू जूता इसका वैज्ञानिक नाम है। और आठवां आता है सोयाबीन, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है। और तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो चना आता है, मसूर आता है, मटर आता है, बोरो, अरहर, तुर, मूंग, उर्द, सोयाबीन आते हैं। और ये सब जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अगला आता है तिलहनी फसलें जिसको ऑयल सीड क्रॉप्स कहते हैं, तो इसमें आता है मूंगफली जिसको ग्राउंड नट कहते हैं, पी नट कहते हैं, अर्थ नट कहते हैं, मंकी नट कहते हैं, मिलेट नट कहते हैं। तो एरिकिस हाइपोजिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और लेग्यूमिनेसी फैमिली से यह बिलोंग करता है। और सेकंड आता है तिल जिसको सेसमम होता है, और उसके बाद सेसमम तिल भी बुलाते हैं, और इसको सेसमम जो है इंडिकम जो कि पेडिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और थर्ड आता है अरंडी जिसको कैस्टर कहते हैं, और रेसिनस कम्युनिस जो है जो कि E4BAC से बिलोंग करता है। और फोर्थ आता है राई या सरसों जिसको रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है इसको ब्रेसिका स्पीसी जिसकी क्रूसीफेरी जो है से बिलोंग करता है। और पांचवा आता है तीसी जिसको लिनसीड कहते हैं या फ्लास्क कहते हैं, और लाइनम जो है यूसी टेटिसिमम जो है लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और छठवां आता है कुसुम जिसको सब फ्लावर कहते हैं, या कार्थेमस जो है टिनकेटोरियस होता है, या कंपोजिट फैमिली से जो है बिलोंग करता है। और सातवां आता है सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर कहते हैं, या हेलियंथस होता है एनस होता है फैमिली से बिलोंग करता है और कंपोजिट के अंतर्गत आता है। तो इसमें तिलहन के बारे में किस किस फसलों के बारे में दिया गया है, तो मूंगफली के बारे में दिया गया है, तिलहन तिल के बारे में दिया गया है, अरंडी के बारे में दिया गया है, राई या सरसों के बारे में दिया गया है, तीसी के बारे में दिया गया है जिसको इंग्लिश में लेंसेड या फ्लैस्क कहते हैं, और कुसुम के बारे में दिया गया है, सूरजमुखी के बारे में दिया गया है। अब अगला आता है रेशेदार फसलें जिसको फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, तो कपास में जो होता है गॉसिपियम स्पीसीज आता है, और यह मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड आता है जूट आता है, और यह कारकोरस कैप्सुलरिस जो होता है वाइट जूट का होता है, और कारकोरस जो होता है ओलिटोरियस या टोसा जो कि टीलिएसिस का होता है। और थर्ड आता है सनहेम्प बनारस हेम्प, बॉम्बे हेम्प, इंडियन हेम्प, वारंगल हेम्प, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोर्टोलेरिया जेंसिका होता है जो कि लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है। चौथा आता है मेस्टा जो कि हिबिकस होता है, हिबिस्कस स्पीसीज होता है जो कि सेबडेरिफा और कैना बीनस होता है। तो रेशेदार में कौन कौन सा दिया है इसमें, तो कपास का दिया हुआ है, जूट का दिया हुआ है, सनहेम का दिया हुआ है, मेष्टा का दिया हुआ है। कपास मालवेसी से बिलोंग करता है, जूट टिलियेसी से बिलोंग करता है, सनहेम जो है लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है, और मेष्टा जो है इसका नहीं दिया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में मेष्टा को जो है बिमली कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में मेष्टा को जो है बिमली कहा जाता है, और उत्पादन तथा क्षेत्रफल में दोनों के हिसाब से आंध्र प्रदेश अग्रणी है। तो आंध्र प्रदेश में मेष्टा को क्या बुलाते हैं, भिमली बुलाते हैं। अगर जो उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें, दोनों के हिसाब से आंध्र प्रदेश अग्रणी है। मतलब अब आता है चारा जिसको फॉरेस्ट क्रॉप्स कहते हैं,
इसमें पहला आता है जई आता है और जिसका वैज्ञानिक नाम है एविना सटाइवा होता है और यह ग्रमनी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड पे आता है हाथी घास जिसको नेपियर या एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं और यह जोता है पेनिसेटम जोता है परप्यूरियम इसका जो है साइंटिफिक नेम है और यह ग्रमनी फैमिली से जोता है बिलोंग करता है। और थर्ड आता है बरसीम आता है जो कि बरसीम भी बुलाते हैं इसको इजिप्शियन क्लब भी बुलाते हैं या ट्राइफोलियम जोता है एलेक्जेंड्रिनम इसका साइंटिफिक नेम है और लेग्यूमिनेसी जोता है फैमिली से बिलोंग करता है। अब चौथा आता है लूसर्न लूसर्न जिसको लूसर्न और अल्फा अल्फा भी कहते हैं और मेडी कार्गो सिटाइवा मेडी केगो सिटाइवा इसका जो था साइंटिफिक नेम है और लेग्यूमिनेसी से यह बिलोंग करता है। और पांचवा आता है ग्वार आता है जिसको साइमोप्सिस टेट्रा गोनोलोबा इसका साइंटिफिक नेम है और लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो चारा में कौन कौन सा फसल इसमें दिया गया है, तो जई दिया गया है, हाथी घास दिया गया जिसको नेपियर घास कहते हैं और बरसीम आता है, बरसीम का अगर जो अदर नाम से बुलाया जाए तो इजिप्शियन क्लेवर भी कहते हैं और उसके बाद लूसर्न आता है और गुआर आता है। अब आता है चीनी की फसलें जिसको जुगर क्रॉप्स कहते हैं, तो इसमें पहला आता है गन्ना आता है और दूसरा चुकंदर आता है। गन्ना का जो होता है जिसको इंग्लिश में सुगर केन कहते हैं, सेकेंड ऑफिसिनेरम होता है और ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। और सेकेंड आता है चुकंदर आता है जिसको सुगर बीट कहते हैं, बीटा वल्गेरिस होता है या चीना पोडिसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद जड़ एवं ट्यूबर फसलें आता है जिसको रूट एंड ट्यूबर फसलें, इसमें जो होता है पोटैटो आता है जिसको सोलोनम, इसमें पहले जो होता है पांच ऑन ग्लोबल बेसिस पे देख ले जाते हैं। तो इसमें पोटैटो आता है जिसका सोलेनम ट्यूबरोसम आता है और स्वीट पोटैटो आता है जिसको इपोमिया बटाटस आता है, कसोवा आता है या टेपियोका आता है जिसको मैनी हॉट यूटिल से सीमम होता है और याम्स आता है जिसको डायोस्कोरिया स्पीसीज आता है और कोकोयाम इसके अंतर्गत दो आता है टैरो आता है और टैनिया आता है। टैरो जो होता है क्लोरोसिया एस्कुलेंटस एस्कुलेंटा आता है और उसके बाद टैनिया आता है जिसको जेंथोस्मा सेगिटीफोलिया आता है। और इन पांचों के अतिरिक्त जो होता है भारत में तीन और स्ट्रेची क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिसमें एलिफेंट फूट याम या जिसको जमीकंद कहते हैं और इसमें जो होता है एमोरफोफिलस कंपेन्यूलेटस आता है। और उसके बाद फिर चाइनीज पोटैटो में कौन सा था जिसको कोरका आता है जिसको कोलस प्रवीफोलोरस आता है। उसके बाद एरो रूट या कासोवा आता है जिसको मेरेंथा एरुंडिनेसी से जुता है इसका आता है। और उसके बाद उत्पत्ति स्थान ओरिजिन की बात करते हैं, कितना साइंटिफिक नेम हो गया। इसके बाद फिर क्या आता है उत्पत्ति स्थान दिया गया है जिसमें सीरियल्स में देखते हैं तो राइस का जो है इंडो वर्मन आता है जिसको इंडो और म्यांमार भी कहते हैं। और सेकंड आता है वीट, वीट का साउथ वेस्ट एशिया आता है। थर्ड पे आता है मेज जिसका मैक्सिको है और ज्वार का जो होता है इथोपिया है एंड सूडान है। बाजरा का जो है अफ्रीका है, बार्ले का जो होता है इथोपिया है। और उसके बाद पल्स की बात करते हैं तो पल्स में ग्राम का जो है साउथ वेस्ट एशिया है, फील्ड पी का जो होता है मेडिटेरेनियन रीजन है और अरहर का जो होता है अफ्रीका है जिसको नाइल रिवर या अंगोला होता है। और उसके बाद मूंग का इंडिया है, सेंट्रल एशिया, और काउपी का जो होता है सेंट्रल अफ्रीका है और सोयाबीन का जो होता है चाइना है। अब ऑयल सीड में कौन सा था, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का जो होता है ब्राजील आता है। सेसम का जो होता है साउथ वेस्ट अफ्रीका है, कैस्टर का इथोपिया है और राई का जो होता है चाइना है।
रेपसीड का जूता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया है। सनफ्लावर का जूता है मैक्सिको है एंड साउथ यूएसए है, जिसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और उसके बाद कॉटन का जूता है इंडिया है। उसके बाद पोटैटो का जूता है पेरू, जो कि साउथ अमेरिका में है। और उसके बाद टोबैको का जो है एंड सेंट्रल जूता है अमेरिका है। और उसके बाद फिर इंडियन जूता है कि इनका जूता है नॉर्थ ईस्टर्न जूता है इंडिया है। अब प्रोटीन कंटेंट इन परसेंटेज वाइज जूता है प्रोटीन कंटेंट, तो सीरियल्स में जूता है अराउंड जूता 70% जूता कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जितने भी प्रकार के सीरियल्स है सब में जूता है लगभग 70% जूता कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइस में 6 से 7% जूता है प्रोटीन पाया जाता है। वीट में जूता 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। मेज में 10% प्रोटीन पाया जाता है। मेज में जिन प्रोटीन पाया जाता है और राइजिन जूता है राइस में पाया जाता है। और उसके बाद सोरघम में जूता है 10 से 12% जूता है प्रोटीन पाया जाता है। बाजरा में 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। बार्ले में जूता 11.5% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एल्ब्यूमिनोइड होता है। और पल्स में जूता है अराउंड 60% जूता कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जितने भी पल्स क्रॉप होते हैं। इसमें ग्राम आता है 21.1% आता है इसमें पाया जाता है। और उसके पी में जूता है 22.5% जूता है प्रोटीन्स पाया जाता है। मूंग में जूता है 25% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लेंटिल में जूता है 25% प्रोटीन पाए जाते हैं। और अरहर में जूता है 21 से 25% प्रोटीन पाए जाते हैं। उर्द में जूता है 24% प्रोटीन पाए जाते हैं। और काउपी में 23.4% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो पल्स में कौन सा आता है, तो ग्राम आता है। ग्राम में 21.1% प्रोटीन होता है। पी में कितना होता है 22.5% प्रोटीन होता है। मूंग में जूता 25% प्रोटीन होता है। और लेंटेल में जूता 25% प्रोटीन होता है। अरहर में जूता है 21 से 25% प्रोटीन होता है। उर्द में जूता 24% प्रोटीन होता है। काउपी में जूता 23.4% प्रोटीन होता है। अब अगला आता है ऑयल सीड, जिसको सोयाबीन में जूता है 42% प्रोटीन होता है। ग्राउंड नट में 26% प्रोटीन होता है। सेसमम में जूता है 18 से 20% प्रोटीन होता है। और उसके बाद सनफ्लावर में जूता है और ऑयल केक में जूता 40 से 45% प्रोटीन होता है। अब क्षेत्रफल और उत्पादन में, तो राइस का देखो एरिया एंड प्रोडक्शन में जूता वेस्ट बंगाल आगे है, पश्चिम बंगाल आगे है। अब वीट की बात करते हैं तो पंजाब आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। ज्वार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। और मेज की बात करते हैं तो यूपी आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। और समर मेज में जो होता है बिहार आगे है। और उसके बाद टोटल पल्स की बात करते हैं तो इसमें एमपी आगे है, मध्य प्रदेश आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। और उसके बाद टोटल ऑयल सीड की बात करते हैं तो इसमें भी मध्य प्रदेश आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। और ग्राम की बात करते हैं तो इसमें भी मध्य प्रदेश आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। अब अरहर की बात करते हैं तो अरहर में जो होता है महाराष्ट्र आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। ग्राउंड नट में आंध्र प्रदेश आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। और रैप या मस्टर्ड की बात करते हैं तो इसमें राजस्थान आगे है एरिया एंड प्रोडक्शन में। शुगर केन में जूता है यूपी आगे है। अब आता है कॉटन, जिसको एरिया एंड प्रोडक्शन होता है में जूता है कॉटन के जूता एरिया में महाराष्ट्र है और प्रोडक्शन में पंजाब है। मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र में जूता है देखते हैं तो महाराष्ट्र आता है। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे पंजाब आता है। अब इरिगेटेड वीट की बात करते हैं तो वहाँ पे हरियाणा जो होता है का मैक्सिमम एरिया आता है। अब एरिया एंड प्रोडक्शन में सोयाबीन में जूता है एमपी नियरली जूता है 70% जूता प्रोडक्शन करता है। और बाजरा में जूता है गुजरात बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन में है। अब फूड ग्रेन क्या होता है, सीरियल्स प्लस होता है पल्स मिलकर होते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे ज्यादा वाला किसका प्रोडक्शन होता है, तो राइस का होता है। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो
तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? राइस का होता है, उसके बाद वीट का होता है, उसके बाद मेज का होता है, उसके बाद बाजरा का होता है, उसके बाद ज्वार का होता है। तो पहले राइस का होता है, दूसरे पे वीट का होता है, तीसरे पे मेज का होता है, चौथे बाजरा का होता है, पांचवे ज्वार का होता है। और उसके बाद एरिया ऑफ सीरियल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इंडिया, तो इंडिया में जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें पहला आता है राइस आता है, दूसरा आता है वीट आता है, और तीसरा आता है ज्वार, तीसरा बाजरा, चौथा ज्वार, पांचवा मेज। मतलब जो है इसमें राइस का जो होता है सबसे ज्यादा एरिया आता है, और उसके बाद फिर वीट का आता है, फिर बाजरा का आता है, फिर ज्वार का आता है, फिर मेज का। ये भी इंडिया से संबंधित है। अब वर्ल्ड के आधार पर जो होता है प्रोडक्शन में, तो वर्ल्ड के आधार में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, तो वीट पहले पे आता है, उसके बाद मेज आता है, उसके बाद दिस हक्ट राइस आता है, उसके बाद ज्वार आता है, हास्ट राइस उसके बाद। तो और प्रोडक्शन वाइज ऑर्डर इन इंडिया, तो इसमें जो है ग्राउंड नट आता है, उसके बाद रेपसीड या मस्टर्ड आता है, फिर सोयाबीन आता है, फिर सीसम आता है, फिर सनफ्लावर आता है, उसके बाद नाइजर आता है जिसको एडिबल, और उसके बाद कैस्टर आता है, नॉन एडिबल है, और आठवां जो है लिंसीड आता है, फिर सनफ्लावर आता है जो कि महाराष्ट्र में है। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? तो खरीफ क्रॉप्स जो है जनरली शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, और रबी क्रॉप में क्या होता है? तो ये जनरली जो होता है लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे पैडी आता है, मेज आता है, ज्वार, बाजरा, तिल, ग्राउंड नट, कॉटन, सोयाबीन, मूंग, उर्द और सनहेम्प को देखा। उसके बाद रबी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, टोबैको, सुगर केन, बरसीम आता है। उसके बाद फसलों का वनस्पतिक नाम देखा, जिसके अंतर्गत धान्य फसलों का देखा, दलहन का देखा, तिलहन, रेशेदार फसल, चारा फसलें, चीनी फसलें, इन सभी का देखा। और उसके बाद फिर उनका उत्पत्ति स्थान देखा, और उसके बाद क्षेत्रफल एवं उत्पादन देखा, प्रोटीन परसेंटेज भी देखा, और उसके बाद वर्ल्ड में क्या क्या पोजीशन है वो भी देखा गया, और लास्ट में ये भी देखा गया कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, जनरली जो होता है शॉर्ट डे प्लांट होता है, और रबी क्रॉप्स जो होता है जनरली लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।